अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो जी? ठीक हो? खुश हो? कर ली सो के? मैंने स्टोरी लगाई है, जिसे भी पूछा सब यही बोल रहे हैं कि भाईजान सो के गुजारी है, सो के गुजारी है। रमजान में दिन की गोलियां खाते रहे हो तुम लोग क्या? तो एनीवे, सीन ये है कि भाईजान अभी उठ के रेडी शेडी हो गया हूँ। मैं उठा तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मैं कहा यार फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश हो के फिर बनाते हैं ब्लॉग। हैं अभी जो है ना, सीन ये है कि मैं निकल रहा था गेंदिंग की तरफ, ठीक है, वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना उधर, मेरी आंखें नहीं खुल रही है यार टेरेस पे आके। तो अभी यहाँ से बस पकड़नी है, दो तीन जगह से बस चेंज करके जाना पड़ेगा। लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे भाई, सस्ते में, सस्ते गरीब लोग हैं यार, सस्ते में जाएंगे। एनीवेज, वेलकम बैक हो गया तुम्हारा अनदर ब्लॉग के अंदर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्या कोई उसके ऊपर टैक्स लग रहा है आजकल? नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक बटन दबाना और कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। जो पर एक बटन दबा दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, निकलते हैं। बाकी रेडी शेडी में हो गया था भाई, जूते शूते पहन लिए, नई पैंट शर्ट जो ली थी वो भी पहन ली है भाई। यानी पावर बैंक तो बहुत ज़रूरी है ना, पावर बैंक पकड़ लीजिए, ठीक है। अच्छा भी घर से मैं निकल आया हूँ, लेकिन एक मज़े की बात है कि हमारे साथ जा रहे हैं हमारे ये फोड़ा शरीफ, ठीक है। इसने भाई, ये हमारा जिगर है, इसने हर जगह पे हमारे साथ जाना होता है। जब भी बंदे ने कोई कहीं जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, कहीं भी जाना हो ना, कोई स्पेशल इवेंट हो बंदे का, तो ये जिगर है भाई, इसने हमारे साथ जाना होता है, ये हमें अकेला नहीं छोड़ता। बैग शैग पकड़ लिया सारा, ठीक है। यार आज तो थोड़ी धूप निकली हुई है, थोड़ी गर्मी भी हो रही है यार, लेकिन मैंने वहाँ का वेदर चेक किया, उधर आ रहा है जी 19 डिग्री, और यहाँ पे इस टाइम चल रहा है जी कोई 30 के राउंड अबाउट। तो 10-12 डिग्री का फ़र्क तो पड़ जाएगा, लेकिन वो ज़रा ऊंचाई पे है जगह। तो मेरा ख्याल है कि यार अच्छा होगा वेदर, वहाँ पे मज़ा आएगा ना। तो चेयर लिफ्ट चलती है भाई जान केबल कार, तो दुआ करो वहाँ पे क्लाउडी वेदर और वो बादलों के बीच में से जाए ना, मज़ा आ जाए। इस टाइम मैं ज़्यादा करीब हूँ गेंदिंग हाईलैंड के, लेकिन यार मैं जो है ना टैक्सी वगैरह पर जाना नहीं चाह रहा, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। मैं जाऊँगा तो यार मैं जाऊँगा भाई साहब लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, केएल सेंट्रल से बस जाती है, यहाँ से मैं जाऊँगा मसीजा में, वहाँ से जो है ना ट्रेन पे बैठ के केएल सेंट्रल जाऊँगा, वहाँ से बस पकड़ूंगा और जाएंगे वहाँ पे। तो यार मैं प्राइसेस बताता जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है, फिर बाद में मैसेजेस आते हैं कि यार अपने प्राइस नहीं बताए ये वो, तो सब कुछ मैं बताता जाऊँगा साथ, ठीक है। वैसे तो यहाँ की ड्राइव है तकरीबन आधे पौने घंटे की ड्राइव है यहाँ से, लेकिन हम लोकल ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे तो हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 2-3 जगह से हमें जो है ना स्विचिंग करनी पड़ेगी। बस ही नहीं आ रही थी तो मैं इधर बैठ गया था, मैं कहा यार वेट करता हूँ किसी, तो तकरीबन 11-12 बज रहे हैं। तो मेरा पहले प्लान था कि सुबह सुबह निकल लूँगा 7-8 बजे, फिर मैं सोचा यार क्या करना है जल्दी जाके, स्कूल से निकलते हैं 11-12 बजे निकलूँगा, अभी 1-2 बजे वहाँ पहुँचूँगा, थोड़ी इवनिंग का टाइम हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता वहाँ के कैसे व्यूज़ हैं, सुना यही है कि भाई वो जो है ना वीडियोज़ वगैरह जो देखी हैं उसमें यही पता लगता है कि वो भाई थोड़ी हाई जगह है, तो सनसेट का व्यू मेरा ख्याल वहाँ मज़े का आएगा। तो मेरा प्लान ये कि इवनिंग वहाँ पर गुजारेंगे और रात को 7-8 बजे वापस आ जाएंगे। बस ये आ गई हमारी मंठार एक्सप्रेस, बस हमारी आ गई, अब इसमें बैठ के हम जाएंगे आगे, ठीक है, वहाँ से ट्रेन पे देखते जाओ, देखते जाओ, एंजॉय करो, चिल मारो है। जामे स्टेशन है ना, वहाँ पे जाने के लिए मुझे उसी रास्ते से जाना पड़ा था जहाँ पे मैं डेली गुजरता हूँ, तो ये वही जगह है। देखो आज सारा सुनसान पड़ा हुआ, सामने सिटी वन प्लाजा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कोई चंद दुकानें खुली हुई हैं और बाकी सब कुछ बंद है, ठीक है। तो पता चल रहा है कि भाई ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं। ये देखो यार, ये सारी मार्केट फुल भरी होती थी, अरे खाली पड़ी है सारी। आई थिंक जो इंडियंस या दूसरे रिलीजन के लोग हैं सिर्फ उनकी शॉप ओपन है, मुस्लिम्स की सब शॉप बंद है। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को मैं चेक करवाता हूँ कि यार चेक करो, ये एटीएम मशीन खुले आम लगी हुई है भाई, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है यार, तो पता कि यार यहाँ के लोग ऐसे कुछ नहीं करते। तो अभी जो है मैं पहुँचा हूँ मस्जिद जामे टर्मिनल, तो यहाँ से मुझे केएल सेंटर के लिए ट्रैवल ट्रेन मिल जाएगी, अभी थोड़ी मड्डी शडी करवा ले, निकलते केएल सेंटर, बस जल्दी आ जा बहुत है। यार
जब भी मैं इधर पहुंचा हूँ केएल सेंट्रल में, भाई ये बहुत बड़ा टर्मिनल है यार, इधर कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी ट्रेन किधर जा रही है, कौन सी किधर जा रही है। यहाँ पे हर ट्रेन का जो है ना अलग अलग स्टेशन है, यहाँ पे सारा जंक्शन है किसम का, जितनी ट्रेन यहाँ पे चलती है सारी यहाँ पे इकट्ठी होती है और सारी यहाँ से जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इधर से उतरा हूँ, ठीक है, वो सामने से ट्रेनें जा रही हैं, बेसमेंट से जा रही हैं, पता नहीं किधर किधर से ट्रेनें जा रही हैं, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे चलने के लिए, आपको आने के लिए ना हेल्प चाहिए होती है। अभी मैं भी जाऊँगा, पूछूँगा कि भाई यहाँ से मैंने गेंतिंग जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं यहाँ से, किसी से पूछते हैं। अभी जो है मैं जा रहा हूँ नीचे, ठीक है, ये नीचे ये बसेस खड़ी हुई है, ये सारी जो है ना एयरपोर्ट ट्रांजिट है, यहाँ से ये बसेस जो है सारी एयरपोर्ट जाती है, वहाँ से आती है इधर केएल सेंटर, तो यहीं से आगे एक ऑफिस है गेंतिंग हाईलैंड की तरफ जाती है यहाँ से बस, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हमें कितने बजे मिलती है बस। और क्योंकि भूख भी बड़ी लगी हुई है यार, सुबह नाश्ता नहीं किया, वैसे उठ के आ गया था, तो अभी जो है ना पहले बस का पता कर लें कितने बजे बस मिलेगी और उसके बाद जो है ना हम खाना पीना करते हैं। ये वाली जो है ना बस ये जाने लगी है, तो इसकी जो सवारियाँ थी जिनके पास टिकट्स थी वो सारे जो है ना बोर्डिंग करवा रहे हैं, निकल रहे हैं, और हमारी पता नहीं कितने बजे वाली बस मुझे मिलेगी। आई थिंक अभी एक बज रहा है, एक बजे जा रही है, नेक्स्ट जो है 1:30 बजे या 2 बजे जाएगी। ये जो बंदा आप लोग देख रहे हो ना, ये जो है ना इनको ये यहाँ की बस में ख़राब कर रहा है, इनको बोल रहा है कि भाई साहब टिकट ना लो, ठीक है मेरे पास गाड़ी है, टैक्सी पर आप लोगों को लेके जाता हूँ, 4-5 लोग दो से और कर दिए, 3 करोड़ मुझे कन्वेंस कर रहा है कि भाई साहब आप आ जाओ, उन्होंने कितने पैसे मांग रहा है, 50 टिकट पर मेरे लेके जा रहा है कि मैं आप लोगों को पूरा टूर करा दूँगा या ऊपर तक लेके जाऊँगा, जैसे भी करा दूँगी, अपना बिजनेस कर रहा है यार। देखो लोग यहाँ से जो है ना बस लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उसको पता है कि लोग जो है ना मान जाएंगे, 5-10 टिकट ऊपर दे देंगे और वो चले जाएंगे, अभी इनके साथ डील कर रहा है। बंदे ने जो है ना फाइनली जो है ना 3 बंदे तैयार कर लिए हैं, तो ये तीनों को लेके जा रहा है। तो टिकट शिकट ले लिए भाई, ठीक है, 4 बजे की मिली है जाके। यार मैं गलत फैसला हो गया, आज मैं जल्दी आना चाहिए था, तो अभी जो है 4 बजे की टिकट मिली है, तो अभी यहाँ पे क्या करूँ, भूख शूख लगी हुई है, उतने कुछ खाते पीते हैं, उधर फिरते हैं, 4 बजे तक का इंतजार करते हैं फिर और क्या। तो मैंने जो है ना ये दोनों टिकट करवाई है, ठीक है, 1 वे टिकट है, बस की भी है और साथ इसके जो है ना केबल कार की भी है, तो ये मुझे राउंड बाउट पड़ी है 20 रिंगिट की। तो फाइनली जो है ना जाके एक चीज़ कोई चलती है, जहाँ पे मिली है हमें लस्सी लम्मा, ठीक है, ये राइस चिकन वगैरह होता है, ये फेस करते हैं अरेगा। तो फाइनली जो है ना खाना मारा हो गया, ये है जी नासी लम्मा, ठीक है, ये ट्राई करते हैं भाई। ये जो है ना इनकी रेड चिली सॉस होती है और ये चिकन है और ये सारा खीरा शीरा दिया हुआ है, और भी कुछ आइटम थे जो मुझे देखने को सही नहीं लग रहे थे, मैंने मना कर दिया। बहुत मज़े का यार, मैं सब बाहर भी खाता रहता हूँ, ये भी बहुत मज़े का। उसमें अंडा डालना भूल गई थी, तो अभी देखी गई है अंडा, बॉयल एग भी है साथ भाई, फुल हाइजीन खाना भाई, फुल खाना सारा हो गया ख़त्म। अभी मैंने शुरू में कह दिया यार मज़े का, ज़रा दिल खराब होने लगे थे यार, शुरू में एक दो बाइट अच्छे लगे थे, फिर बाद में जो है ना हैवी होता जा रहा था, बड़ा अजीब सा हो गया था यार, पानी चढ़ा चढ़ा के ख़त्म किया यार, भूख तो लगी हुई थी। उधर बैठ के मैंने सारा टाइम स्पेंड कर लिया और अभी जो है बस 1 घंटा रह गया, 3 बज गए, 4 बजे बस है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे मैं वेस्ट कर चुका हूँ यहाँ पर बैठ के। तो अभी बस जो है ना थोड़ा मस्जिद ढूंढते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं टर्मिनल पे, तो वहाँ से फिर निकलते हैं। तो अभी जो है बस हमारी आ चुकी है, ये हमारी बस खड़ी है भाई, ठीक है, ये लोग पैसेंजर्स अभी जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो पता नहीं यहाँ से कितना टाइम लगेगा, तकरीबन 1 घंटा आई थिंक लग जाएगा। बस तो फुल ठंडी है यार, ये 18 नंबर है। जो है ना अवाना बस टर्मिनल पे पहुंच के यहाँ से ऊपर जो है ना हमें अब जाना पड़ेगा हाईलैंड पे, जो है ना हमें यहाँ से केबल कार पे जाना पड़ेगा, तो अभी यहाँ से पता करते हैं कि भाई कैसे जाना है। टिकट ऑलरेडी मैंने परचेज़ किया हुआ, लेकिन यहाँ से मुझे रिटर्निंग टिकट पहले लेना है, कि वापसी का बस का टिकट और रिटर्न टिकट वहाँ से नहीं मिला था, यहाँ से पहले ले लेंगे ना वापसी पर मसला बने। फिर टिकट काउंटर तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर अभी इस टाइम है कोई भी नहीं है, तो वापसी की टिकट कहाँ से लेनी है यार।
ये आई थिंक एक मशीन लगी हुई है, यहाँ से लोग परचेज कर रहे हैं, हम भी यहीं से ट्राई करते हैं। तो भाई साहब सीन ये हुआ है कि मेरा प्लान था कि मुझे लेट नाइट कोई मिल जाए बस, लेकिन इस टाइम ऑल बस हर आधे घंटे बाद बस है, लेकिन सब बस जो है ना फुल है, कोई भी बस किसी भी स्टेशन पर जो है किसी भी सीट नहीं थी, सिर्फ एक सीट मुझे मिली है, वो तीन चार सीटें उसमें अवेलेबल थी गोम्बक की वापसी पर, तो वो भी मैं 7:15 की वापसी पर मिली है यार। तो अभी 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे हैं, तो केबल कार वगैरह इन्जॉय करते हैं फिर, सिर्फ 2 घंटे यार, सिर्फ 2 घंटे मिले हैं यार, नेक्स्ट टाइम जल्दी आना है, एडवांस बुकिंग करके आना, ये चक्कर छोड़ देने यार भाई के मौके पे जाके देखे कि नहीं भाई पहले करके आना सबको। यार एक टिकट ऑलरेडी मेरे पास है जाने की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रिटर्न जो है ना केबल कार की भी रिटर्न करवा लूँ, यही चाहिए ना वहाँ से मिले ना, फिर मैं वहाँ पर दलील होता रहूँ, अब सब कुछ पहले किया करना है यार। रिटर्न टिकट भी यहीं से ले ली है, अब सिर्फ वो आसान हमारी केबल कार चल रही है, ठीक है वहाँ से हम बैठेंगे अभी और ऊपर जाएंगे, इसको यहाँ स्कैन करेंगे। तो भाई साहब इंटर हो गए हैं, आज तक मैं पहले सिर्फ एक बार केबल कार पे बैठा हूँ, वो थी सुप्रियाटा, वही ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस देखेंगे कैसा होगा। वो गई ऊपर पुल ऊपर, इधर भी इसके अंदर भी एसी चल रहे हैं भाई, नहीं जी गेंटिंग जो है ना उसका स्काईवर्ड थीम पार्क है ये, और वो सारे जो उन्होंने बनाया हुआ ना वो सारा इस वाला बनाया आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे शो वगैरह तो होती नहीं, थीम पार्क बनाया हुआ यार। अभी केबल कार से बाहर आया हूँ तो यहाँ पे भाई साहब इतना रश है, ओए होए होए भाई साहब ये किस चीज़ के इतने काउंटर्स हैं, आई डोंट नो। अच्छा ये वापस जाने वाले हैं यार, ओ भाई साहब ये वापस जाने वाले हैं भाई, हमें यहाँ पे तो लाइनें भी लगना पड़ जाएगा सारा, ये वापस जाने की लाइनें हैं यार। और भाई हमारी वापसी की बस भी 7 बजे की है, और इस टाइम तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, 1.5 घंटा है फिर हम बस 1 घंटा यहाँ पर घूम करके वापस। ओ भाई साहब यार इधर तो कुछ दुनिया ही अलग है यार, सारी किधर आ गए भाई, ये पहाड़ों में आए हम कहाँ आ गए हैं भाई, सिंगापुर आ गए हैं यार, नेक्स्ट लेवल यार, पहाड़ों के ऊपर ये चीज़ें बनी हुई हैं यार, ये सारा इंडोर है तकरीबन, यहाँ पे जो है झूले शूले लगे हुए हैं बच्चों वाले, मुझे यहाँ से बाहर निकलना यार, बाहर कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे पहाड़ देखने हैं भाई, मैं पहाड़ देखने आया हूँ भाई साहब। यार ये छोटे छोटे बच्चों को ये झूले लगवा दिए यार, यार क्या कमाल की थीम्स हैं यहाँ पे, मतलब कि बंदा ऊपर जा रहा है तो अब देखो यार यहाँ से, ओए होए 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 यार फुल माहौल है भाई, पूरा थीम चल रहा है भाई यहाँ पे, यार इधर से घूम घूम के बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा कि भाई बाहर कहाँ से जाना है भाई साहब, इतना बड़ा इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है यार यहाँ पे, ओहो यहाँ पे सारे चाइनीज थाई रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, वो अजीब अजीब स्मेल आने लगी है यार, लेकिन यार एंड लेवल है, थैंक गॉड कि बाहर का रास्ता निकला है भाई, कुछ नज़र आया हमें बाहर, तो अब यहाँ से हमें व्यू इशू कहाँ से मिलेगा, ये सारा वो स्काई वर्ल्ड थीम पार्क है भाई, वो केबल कार जिधर से हम आए थे अभी, ओए होए 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 भाई साहब, मौसम इस टाइम बहुत लेवल का हो चुका है, क्लाउडी क्लाउडी मतलब कि ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तकरीबन क्लाउड में यहाँ से नज़र आ रहे हैं ये सारे, ये क्लाउड हैं यहाँ पे, लेकिन देखने में जो है ना यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं,
बहुत मजे का यार, बहुत मजे का बेहतर है। ये है जी गेंटिंग स्काई वर्ल्ड, लेकिन अभी हम जा नहीं सकते हैं भाई, टाइम कम है। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर प्लान करके आना है, सुबह को आना है, पूरा दिन स्पेंड करना है, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। अभी बस ऐसे घूम फिर के वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न टिकट नहीं मिली है बस की भाई, 2 घंटे का टाइम था जस्ट ऑनली। भाई साहब छोटे होते ये सारे शौक होते थे। ओ भाई साहब सारी गेम्स है भाई साहब। ओ भाई साहब यार मजा, ये क्लाउड्स है यार, ये देख ये क्लाउड्स जा रहे हैं, ये देखो मुझे फील हो रहा है कि मैं क्लाउड्स के अंदर हूँ, मुझे वो ठंडा ठंडा फील हो रहा है यार, बहुत मजे का वेदर है यार, कमाल। ये देखो बिल्डिंग्स छुप गई हैं यार, यार बहुत ऑसम है यार, सारी बिल्डिंग्स छुप गई हैं। ये जा रहे बदलिए देखो, ओए 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 यार कमाल है यार, ये बहुत हाइट है यार, बहुत हाइट है ये। ओहो हो भाई साहब वो देखो उस बिल्डिंग से मैं आया था, ये सब जो है ना छुप गया, सारे बदल जा रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है कि भाई वापसी में केबल कार पे फुल मजा आएगा। ओए होए 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 यार कमाल। अच्छा ये बादलों में से जो है ना, अब मुझे वो नमी, बारिश वाले बादल हैं, नमी महसूस हो रही है। यार कमाल हो गया यार, बारिश शुरू हो गई है। बारिश आ गई है, सारे बारिश वाले बादल हैं मेरे। अब हमें 6 बज गए हैं, अब यहाँ से निकलना भी है वापस भाई। यहाँ पे सीन चेक कर सकते हो यार, वो सामने केबल कार्स चल रही हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही है, सारे क्लाउड्स हैं यहाँ पे। बहुत मज़े का ठंडा वेदर है यार, बहुत मज़े का। यहाँ से हम नीचे का व्यू देखते हैं कि नीचे हमें कैसा नज़र आता है। मुझे तो वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा यार यहाँ पे भाई साहब, ये सारा जो है ना फोर्थ स्ट्रीट है, वही फोर्थ स्ट्रीट है जो तुम लोग समझ रहे हो। ये बादल गुजर रहे हैं, ये देखो यहाँ से बादल आ रहे हैं, ये देखो भाई। नेक्स्ट टाइम सुबह आना है और रात को जाना है भाई, इधर इतनी मजे मजे की जगह है, मतलब कि मैं कहीं भी रुक के जो है ना इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पीछे तो मुझे अब सिर्फ 1 घंटा रह गया बस का, यहाँ से भी केबल कार से वापस भी जाना है, और यहाँ की बसें लेट नहीं होती हैं भाई, 1 मिनट भी लेट नहीं होती। रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे ना केबल कार का एक स्टेशन आता है, वो भी हिल्स के ऊपर ही है, वहाँ पे अगर देखूँगा, अगर वहाँ पे रुकूँगा तो रुकूँगा, नहीं तो फिर सीधा ही निकल जाऊँगा भाई। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, ज़रूर आना है भाई। ये सारा वापस जाने का रहता है भाई, ये लाइनें लगी हुई है, लाइनें। वहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे आया हूँ और अभी यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाना, उधर से जिग जैग घूम घूम के फिर इधर आना है, इधर से जिग जैग जाना है भाई साहब, ये सारी लाइनें लगी हुई है। अभी ये कवर किया है और ये सारा रहता है अभी भाई। बोले 7 हो गए, सिर्फ आधा घंटा 10 मिनट में मैं केबल कार पर बैठ गया तो मैं कुछ पकड़ सकूँगा, नहीं तो नहीं पकड़ सकूँगा भाई। और वो बस है, उसके पास कोई बस कोई सीट कुछ नहीं है। पंखा चेक करो बस, लेकिन हवा दे रहा भाई, हवा लग रही है। अब जाके फाइनली पहुँचा हूँ, 6 बजे 55 मिनट हो गए हैं, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं मेरी बस में, और आगे का सीन आप देख सकते हो, फुल क्लाउडी है भाई, फुल क्लाउडी।
तकरीबन 45 मिनट की लाइन लगी है, 45 मिनट बाद जाके पहुँचे, कोई 6:15 बजे आया था और इस टाइम 7 बजे फुल। फाइनली जो है ना पहुंच गए हैं वापस अभी, और यहाँ से जो सीन है ना एक ये चेक कर लो, वो सारे क्लाउड्स ऊपर रह के लेकिन बाहर भी होंगे देखते हैं। लेकिन यार ये बहुत हाइट थी, बहुत हाइट थी, ये बहुत ज़्यादा हाइट थी, लेकिन बीच में यार काफ़ी व्यूज ऐसे आ रहे थे लेकिन फॉग इतनी थी कैप्चर ही नहीं हो रहे थे यार, कुछ ब्लर हो रहे थे, लेकिन यार इनक्रेडिबल था। टिकट पड़े हैं सिर्फ, और मुझे जो है ना अभी वो नहीं मिल रहा है कि मेरा बस का टर्मिनल कौन सा, टिकट के ऊपर मेंशन नहीं है और पता नहीं कहाँ से जाना है यार। तो फाइनली घर आ गया हूँ यार, बहुत थक हो गया, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है इस टाइम, क्योंकि खाया पिया नहीं था टाइम से, वही दोपहर में खाना खाया था, तबीयत बड़ी ना अप डाउन हो गई थी। लोग कमेंट कर रहा हूँ ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो लाइक करके कमेंट करके बता देना कि भाई वीडियो कैसी लगी थी, ठीक है। तो मैं भी अभी बस सोने लगा हूँ यार, फुल नींद चढ़ी हुई है मुझे, हैं तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।